मध्य प्रदेश उप सरपंच संघ खरगोन के द्वारा उप सरपंचों की विभिन्न मांगों को लेकर के खरगोन कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन उप सरपंच संघ जिला खरगोन अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर ने किया। उन्होंने कहा कि महोदय, उप सरपंचों के नाम पंचायत दर्पण ऑनलाइन साइट पर दर्ज किए जाए। विभिन्न निर्माण कार्यों पर उनके गुणवत्ताप्रद होने निश्चितता पर उप सरपंचों के सील एवं हस्ताक्षर कराए जाए। जनपद पंचायतों के व्हाट्सएप ग्रुप पर उप सरपंचों के नाम जोड़े जाए। शासन प्रशासन की समस्त योजनाओं का लाभ उप सरपंच भी आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर सके। सभी मांगे निश्चित समय सीमा में पूर्ण की जाए, यह मांग की गई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जिला खरगोन के द्वारा हमारे उप सरपंच भाइयों के साथ जो लगातार कई वर्षों से अन्याय होता आ रहा है, उस अन्याय के विरोध में आज हमने कलेक्टर महोदय को हमारी समस्याओं से अवगत कराया है, इसलिए हमने ज्ञापन दिया है। हम पंचायत दर्पण पर जाते हैं तो एक 11 महीने की जो असुविधा बेस पर सहायक रोजगार लगा हुआ है उसका जनपद पंचायत दर्पण पर नाम है, सरपंच का पंचायत दर्पण पर नाम है, सचिव का पंचायत दर्पण पर नाम है, लेकिन जो संवैधानिक पद सरपंच का है उस पर कहीं ना कहीं उप सरपंचों का नाम नहीं है। उस नाम को दर्ज कराना और जो मनरेगा के अंतर्गत भ्रष्टाचार रूपी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों में हमारे उप सरपंचों की सील लगेगी, पंचों की साइन लगेगी, तो निश्चित ही भ्रष्टाचार मुक्त कार्य होगा और सरकार की मनसा अनुसार कार्य होंगे। और जो गांव में निर्माण कार्य होते हैं लगभग कहा जाए कि गुणवत्ताहीन कार्य होते हैं, वो होना बंद हो जाएंगे क्योंकि उप सरपंच की साइन लगेगी तो किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार निर्माण कार्यों में नहीं होगा। क्या नाम लिखते हो? मैं जिला उप सरपंच संघ खरगोन जिला अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।